हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कॉम स्कॉलर दिस इज द कंटिन्यूशन वीडियो ऑन लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी में हमने अब तक जो डिस्कस किया दैट इज हाउ टू डिटरमाइन द लेवी एंड कलेक्शन दैट मीन्स कौन जीएसटी एस जो कौन सा लगेगा एंड देन टैक्स उसको कौन कलेक्ट करेगा जी कौन जमा करेगा दिस इज ऑल ओवर द चप्टर तो अब तक हमने जो डिस्कस किया दैट इज सेक्शन नाइन वन हम डिस्कस कर लिया सेक्शन नाइन टू डिस्कस करने की बात ही नहीं है सेक्शन नाइन फोर हमने डिस्कस किया सॉरी सेक्शन नाइन फाइव दैट इज ई कॉमर्स ऑपरेटर देन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नाइन थ्री सेक्शन नाइन थ्री हमने डिस्कस किया था था कि सेक्शन नाइन थ्री दैट इज टॉक्स अबाउट द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म दैट मीन्स वे द रेपेंट इज लेवल टू पे जी एस टी तो उस केस में हमने देखा था कि सर्विस सेक्टर में गुड्स तो कोई दिक्कत नहीं है गुड्स में तो देखो एट लिस्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मेन दिक्कत आती है सर्विस में एंड सर्विस में हमने सिर्फ अब तक एक ही जो है सर्विस डिस्कस की दैट इज इन रिलेशन टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अब हम सेकेंड पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एंट्री नंबर टू तो ये भी हमारा विद अमेंडमेंट है तो उसको ध्यान से देखिए क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए ये कौन है इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर एडवोकेट फर्म ये कौन है ये मेनली है सप्लायर ये है सप्लायर दैट मीन्स इंडिविजुअल एडवोकेट या इंडिविजुअल फर्म ये सर्विस दे रहे हैं किनको दे रहे हैं या तो दे रहे हैं किसको ये बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी को मैंने क्या करा दो पार्ट में डिवाइड करा दैट इज बिग बिजनेस एंटिटी एंड स्मॉल बिजनेस एंटिटी देखिए बुक में कहीं लिखा नहीं है ये मैंने खुद बनाया है ताकि आपको अच्छे से इजिली याद हो जाए देखिए स्मॉल बिजनेस एंटिटी किसको बोलेंगे जब हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि अगर किसी कोर्स सप्लायर को अगर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है अंडर सेक्शन ट्वेंटी टू तो अगर उसकी लास्ट ईयर टर्न अगर उसका टेन लैख ट्वेंटी लैख या फोर्टी लैख क्रॉस हो गया तो थ्रेश लिमिट जैसे ही क्रॉस हो जाती है तो फिर वो जीएसटी में रजिस्टर करने के लिए लाइबल हो जाता है राइट तो अगर स्मॉल बिजनेस एंटिटी कौन है अगर उसका थ्रेशो लिमिट कम है

सप्लाई है वो पूरी पूरी एग्जम्ड है क्यों क्योंकि उनका थ्रेस लिमिट ही कम है तो वो गवर्नमेंट ने इसको एग्जेंट कर दिया यानी कि इस पूरी सर्... सर्विस को ही जो क्या कर दिया है एग्जेंट कर दिया लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी थ्रेश लिमिट भी क्रॉस हो रही है तो फिर वो टैक्सेबल भी है एंड उस पर क्या लग रहा है आर सी एम दट इज रिवरचार्ज देन सेकेंड अगर मान लीजिए किसी लो फर्म को अगर वो सप्लाई कर रहे हैं तो अगेन अगर मान लीजिए उन लो फॉर्म की लिमिट अगर थ्रेश लिमिट क्रॉस कर गई एज पर सेक्शन ट्वेंटी टू तो फिर क्या लगेगा आर सी एम अच्छा सर अगर मान लीजिए उनकी थ्रेश में क्रॉस नहीं हुई तो फिर क्या होगा वो एग्जाम वो कहाँ आ जाएंगे अदर्स में आ जाएंगे तो अदर्स में कोई भी हो अच्छा अदर्स में कौन कौन आ सकता है अदर्स में कोई इंडिविजुअल आ सकता है गवर्नमेंट आ सकता है चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे यूटी हो चाहे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो ठीक है

सप्लायर कौन है इंडिविजुअल एडवो इंडिविजुअल एडवोकेट या इंडिविजुअल फॉर्म टैक्सेबल फोटो टैक्सेबल कब है बिग बिजनेस एंटिटी तो टैक्सेबल आर और लॉ फर्म है ओके थर्ड मीट क्रॉस कर गए टेन लाइक ट्वेंटी लाइक और फोर्टी लाइक तो फिर भी टैक्सेबल है और क्या है आर सी एम बस इसमें फोवरचार्ज है ही नहीं आपको तो चार्ज आपको याद भी करना टैक्सेबल है तो आर सी एम अदरवाइज एग्जैक्ट राइट नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज एंट्री नंबर थ्री अगेन ये कौन है सप्लायर कौन कौन है आर्बिटर ट्रिब्यूनल या फिर सीनियर एडवोकेट सर सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं कई बार हम इसको हम बोलते हैं कि भी जो सीनियर होंगे दैट मीन जो एजेड होंगे उनको सीनियर होंगे नहीं ऐसा नहीं है सीनियर एडवोकेट की लिस्ट आती है एंड uh, उसमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उनको एक्सपीरियंस के बेस पे करते हैं देखो जहाँ तक मैंने सुना है वो देखते हैं कि उन्होंने डिसीजन कितने परसेंटेज उन्होंने सही लिए यानी कि उनके परफॉर्मेंस बेसिस पर उनकी सीनियरिटी जो लिस्ट है वो एनलिस्ट होती है राइट तो फिर इसमें क्या है आरबी ट्रिब्यूनल या फिर सीनियर एडवोकेट अगर ये सप्लायर हैं किसको कर रहे हैं बिग बिजनेस एंटिटी बिग बिजनेस एंटिटी है तो फिर वो सर्विस क्या हो जाएगी एग्जाम सॉरी आर सी एम उस पर लॉ फर्म है अगेन टर्नओवर एक्सिड कर गया Again, RCM. Otherwise का लग गया एग्जेक्ट तो बस दो केस में आरसीएम बाकी दिक्कत बट इसमें न एक नोटिफिकेशन आया था तो उसके अकोर्डिंग जैसा मान लीजिए मानीड कंपनी है उन्होंने मान ली अप्रोच करा किस को अप्रोच करा उन्होंने मानी किसी एक इंडिविजुअल इंडिविजुअल एडवोकेट को उन्होंने अप्रोच करा एक केस था लेकिन केस जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड निकला और वो इंडिविजुअल एडवोकेट से हैंडल नहीं हो रहा था तो फिर उन्होंने क्या करा उन्होंने अप्रोच करा इंडिविजुअल एडवोकेट ने किसको एक सीनियर एडवोकेट को उन्होंने अप्रोच करा राइट right. अच्छा याद रखना पहले बात करते हैं हम इन दोनों के इन दोनों में रेसिपियन कौन है ये कौन है रेसिपियन ये कौन है सप्लायर इन दोनों केसेस में क्योंकि केस किसके लड़ रहे हैं उस कंपनी का तो वो कौन हो गया रेसिपियंट कौन लड़ रहा है इंडिविजुअल गेट तो वो क्या बन गया सप्लायर राइट right. अब बताओ इन दोनों में अगर अच्छा मान लीजिए मैं ये भी फिट फिटर था कि आ, ये बिग बिजनेस एंटिटी है ये कौन है बिग बिजनेस एंटिटी यानी कि थ्रेसो लिमिट क्रॉस कर रही है तभी तो मजा आएगा अब इस केस में देखिए क्या होगा आपका आर सी में अभी केबल हो जाएगा तो यहाँ पर रेसिपी दैट मींस एक्स लिमिटेड इज लेबल टू पे जी एस टी टू दी गवर्मेंट राइट तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर कौन टैक्स पे करेगा एक्स लिमिटेड लेकिन जब हमें पता चला कि इंडिविजुअल एडवोकेट से वो केस हैंडल नहीं हो रहा तो उन्होंने सीनियर एडवोकेट को जो है अप्रोच करा तो सीनियर एडवोकेट भी तो इनसे फीस चार्ज करेंगे तो इस केस में अब ये कौन हो गया सप्लायर और इस केस में ये कौन बन गए रेसिपिएंट अब बताओ इस केस में जो है आ, र, जो है टैक्स तो होगा हो ही होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन जमा करेगा तो देखिए वैसे तो देखो आर सी एम लगाना चाहिए रिबोचार्ज मैकेजम इंडिविजुअल बेड देखिए जो एडवोकेट में वो कभी भी ना गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना चाह रहे अपने हाथ से तो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी करा तो उसमें एक किस्म वाला कि अगर मान लो ऐसा केस मिलता है तो इस केस में क्या होगा जो सीनियर एडवोकेट जो से फीस लेगा इंडिविजुअल एडवोकेट से तो उस पर जी एस टी तो लगेगा और आर सी एम भी लगेगा लेकिन यहाँ पर रेसिपेंट कौन सा लगेगा ये बाईपास होकर लग जाएगा मतलब इस पर जो भी टैक्स आएगा इसका टैक्स कौन जमा करेगा यही पे करेगा यानी कि एक्स लिमिटेड बेसिकली दो टाइप के टैक्स जमा करेगा कौन 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 से एक तो इस ट्रांजेक्शन पे और एक इस ट्रांजेक्शन पे क्योंकि इंडिविजुअल एडवोकेट एक्स लिमिटेड को बताएगा ना क्योंकि मैंने देखो एक सीनियर सीनियर एडवोकेट को अप्रोच करा था इसके केस के लिए तो मैंने वो फीस दी थी तो उसका जी भी इसको जमा करा पड़ाना पड़ेगा यानी कि इस केस में इंडिविजुअल एडवोकेट कभी भी टैक्स पे नहीं करेगा राइट यानी कि एक्स लिमिटेड ही जो है दोनों दोनों ट्रांजेक्शन पे एक्स लिमिटेड ही जो है वो टैक्स पे करेगा राइट नाउ कमिंग टू एंट्री नंबर फोर अच्छा एम को मैं एंट्री नंबर आपको याद नहीं करनी राइट चलिए नेक्स्ट है आपका दैट इज इन टू में सबसे ज्यादा जो कई बार डिफिकल्टी होती है कि ये नहीं पता कि कौन है कौन है यही नहीं पता देखिए सीधी सी बात है यहाँ पर स्पॉन्सरशिप में सप्लायर कौन होगा ये सोचना पाए ठीक है तो इस केस में सप्लायर कौन होता है पैसे देने वाला या पैसे लेने वाला ये देखना पड़ेगा तो जो पैसे जिसको पैसे मिलते हैं वो कौन होता है सप्लायर और जो पैसे देता है वो कौन होता है रेसिपिएंट ठीक है सप्लायर कोई भी हो सकता है इंडिविजुअल लो फर्म कोई भी है मैंने एग्जांपल लिया आईपीएल का आईपीएल में बहुत बड़े होर्डिंग्स लगते हैं बैनर लगते हैं ठीक है वो कौन वो कौन वो कौन हो गए सप्लायर वो बड़ी बड़ी कंपनी का जो है जैसे पेटीएम हो गया बाइजूस हो गया वो उनके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं मैच में ठीक है तो वो कौन हो गया रेसिपिएंट पैसे किसको मिल रहे हैं आई में मिल रहे हैं क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट करा रहे हैं या या बड़ी बड़ी कंपनी का right. तो अगर मान लीजिए आई पी एल मैं फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आई पी एल अगर रेसिपेंट किसका यानी कि किसके एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट का एल एल पी का या फर्म का तो वो टैक्सेबल भी होगा और क्या लगेगा आर सी एम लेकिन रेसिपेंट मान लो जी इनके अलावा कोई और हुए तो हमेशा क्या लगेगा फॉरवर्ड चार्ज आई रिपीट अच्छा मैंने आई पी एल से मतलब ना यहाँ पर कोई भी हो सकता है कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ठीक है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है कोई इंडिविजुअल होता है लो फर्म लॉ हो सकती है फॉर्म हो सकती है कंपनी हो सकती है बॉडी कॉर्पोरेट खुद हो सकती है ठीक है बट अगर मानीजिए वो रेसिडेंट इनका है कौन है बॉडी कॉर्पोरेट है कंपनी है फॉर्म है एल है अगर इनका अगर वो एडवर्टीजमेंट प्रचार कर रहे हैं तो फिर यही पे करेंगे इनके अलावा कोई और हुआ तो फिर क्या लगेगा फॉरवर्ड चार्ज और राइट अच्छा इस केस में रखना यहाँ पर सर्विस जो है एग्जाम्स भी है कब है इसमें एक लिस्ट है जैसे रेडी टू नेशनल स्पोर्ट्स फाउंडेशन हो गया और भी लिस्ट है या बुक से पढ़ लेना आपको वहाँ से लिस्ट मिल जाएगी तो अगर सर्विस इन इन रिलेशन से है in, uh, है स्पोर्ट्स तो फिर वो सर्विस ही एग्जाम गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड सर्विस दैट मीनस यहाँ पर सप्लायर कौन है गवर्नमेंट है खुद ही गवर्नमेंट है अगर मान लीजिए गवर्नमेंट सर्विस जरिए रेडी टू पोस्ट सेल रेडी टू पोस्ट सेल मतलब यहाँ पर आपका एस टैंड फॉर स्पीड पोस्ट ए फॉर एजेंसी एल फॉर लाइसेंसिंग ए फॉर एक्सप्रेस पार्सल राइट अगर वो इंसिलेटेड सर्विस दे रही है या फिर एयरक्राफ्ट में एयरक्राफ्ट uh, से रिलेटेड एयरपोर्ट पे सर्विस दे रही है ठीक है या फिर uh, पोर्ट पे किसी वेसल को रखने में कोई सर्विस दे रही गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन कौन से ट्रांसपोर्टेशन चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो पैसेंजर्स की हो अगर इंसुलेटेड सर्विस है तो फिर वो क्या लगेगा चार्ज यानी कि गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगी राइट और अगर मान लीजिए सर्विस टू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल कहते हैं प्रॉपर्टी तो उस केस में देखेंगे अगर मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी है तो फिर आर सी एम अदरवाइज फॉर चार्ज राइट बिजनेस एंटिटी है तो अगेन वही अगर मोर देन हो गया थ्रेसो लिमिट आर सी एम अदरवाइज एग्जेंट हो गया राइट right? तो ये था आपका सर्विस रिलेटेड गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड है तो आप उसको अच्छे से याद कर लेना देन uh, मान लीजिए डायरेक्टर हैं एम कंपनी है, है. देखिए अगर डायरेक्टर अगर मान लीजिए फुल टाइम अगर कोई जॉब कर रहा है जॉब यानी कि सर्विस है यानी फुल टाइम तो डायरेक्टर को क्या मिलेगा सैलरी मिलेगी अब थोड़ा इसको आप रिलेट कर सकते हो इनकम टैक्स से तो, तो वो इनकम टैक्स में जाकर टैक्स बोलोगा एंड हमने पढ़ा था आ, सप्लाई वाले चैप्टर में नेगेटिव लिस्ट में तो वहाँ पर हमने पढ़ा था तो वो सर्विस क्या हो जाती है सप्लाई ही नहीं मानी जाती सप्लाई ही नहीं मानी जाती जिसको सैलरी मिल रही है वो इसको जी में कैसे लेके आ रहे हैं उसको सप्लाई ही नहीं माना गया लेकिन अगर व, वही डायरेक्टर कौन है मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है और वो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है या सॉरी ऑडिट कह रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा है तो उसको क्या मिल रहा है फीस मिल रही है अब इनकम टैक्स में वो फीस कहाँ पर जाएगा टैक्सेबल हो गई अदर सोर्सेज में और राइट तो फिर वो आपका टैक्स हो जाएगा जीएसटी लगेगा तो उसमें बड़ा कौन है देखिए डायरेक्टर और कंपनी में बड़ा कौन है कंपनी सो कंपनी इज लेवल टू पे जी एस टी दैट इज रेसिपिनट इज रिवर चार्ज मेकेजमिकेबल हो जाए देखिये रिवर चार्ज मेकेजम आपको सिंपली अगर याद करना है तो देखना हमेशा कि सप्लाई और रेसिपिन में बड़ा कौन है जो बड़ा होगा वही टैक्स पे करेगा ठीक है मतलब मोस्ट लाइकली हर केसेज में यही होता है बट कभी कभी एक्सेप्शन केस होता है तो आपको वो याद भी करना होगा देन एंट्री नंबर सेवन दैट इजी टू इंश्योरेंस एजेंट सर्विस जैसा मान लीजिए आपने कोई कोई इंश्योरेंस लेना है लाइफ इंश्योरेंस लेना है ये ठीक है या कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेना है कुछ भी लेना है मान लीजिए आपके घर पर कोई एजेंट आया हो तो आप आप बेसिकली सर्विस किससे ले रहे हो उस एजेंट से ले रहे हो ले लेकिन वो एजेंट जो सर्विस दे रहा है वो दे रहा है उस कंपनी के ब्यापे दैट मीनस कंपनी ने उस एजेंट को हायर किया हुआ है तो देखा जाए तो कम एजेंट जो है वो कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कि वो क्लाइंट लेके आ रहा है कंपनी के लिए right. तो यहाँ पर एजेंट वो कौन सप्लायर कंपनी कौन हो सकती है कोई भी एल आई सी एस बी लाइफ इंश्योरेंस रिलायंस तो बड़ा कौन है वो कंपनी है तो कंपनी इज टू एज पर रिवर्स चार्ज मैकेट इट लेकिन अगर मान लीजिए वो इंश्योरेंस एजेंट वो खुद ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर क्या लग जाएगा फॉरवर्ड चार्ज यानी कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को सर्विस दे रही है रेडी टू इंश्योरेंस ठीक है तो इस केस में जो सप्लायर है वही जो है गवर्नमेंट को जाकर टैक्स पे करेगा राइट right? देन आपका रिकवरी एजेंट सर्विस जैसे जब मान लीजिए बैंक में काफ़ी सारे एन बढ़ जाते हैं ठीक है तो बैंक की काफ़ी लैब्रिटी बढ़ जाती है तो इस केस में जो है कंपनी का जब एन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कंपनी क्या करती है रिकवरी एजेंट सर्विस को वो हायर करती है कि जाओ वसूली करके आओ तो इस केस में सप्लायर कौन हो गया रिकवरी एजेंट तो वो छोटे हैं बड़ा कौन है बैंक सो बैंक इज लेवल टू पे जी एस टी टू जी एस टी टू दी गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिवर चार्ज मेकेानिजम राइट सो सोफार हमने देखिए रिकवरी एजेंट कर लिया हमने इंश्योरेंस एजेंट कर लिया डायरेक्टर वाले कंपनी ने कर लिया गवर्नमेंट वाला भी हो गया हमारा स्पॉन्सरशिप वाला भी हो गया एंड एडवोकेट वाला तो ये हमने सर्विस कर लिए हैं कुछ और आएगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सो आई बिलीव आपको समझ आ गया होगा थैंक यू